दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी जानकारी जो जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है कि आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ तो आंगनबाड़ी बहनों का क्या मानदेय बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्या आंगनबाड़ी आशा का मानदेय दोगुना करेगी कांग्रेस। दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से तमाम पार्टियां विभिन्न घोषणाएं कर रही हैं लेकिन चुनाव के बाद आखिर क्या होता आप सब लोग जानते हैं। मानदेय पाने को तरस रही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जिले भर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत महिला कार्यकर्ताओं को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। इस तरह के आरोप लगाकर उन्होंने जिला प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। उनके अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आंगनबाड़ियों में सुबह से लेकर दोपहर तक कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से काम करते, इसके बावजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही है। उचित कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसा मानदेय ना पाने वाली तरस रही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं ने कहा है। दोस्तों अगर मैं बताऊं तो आपको किस तरीके से आने वाले समय में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस चीज़ को जानना बेहद ज़रूरी है। अगर इंडिया गठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र की बात करें तो किसानों को संपूर्ण कर्जा माफ़ किया जाएगा। भूमिहीन किराएदार छोटे और सीमांत किसानों को 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। किसानों के लिए हर जरूरी चीज़ खाद बीज दवाएँ और कृषि यंत्र से GST हटाकर GST मुक्त खेती की व्यवस्था भी की जाएगी। इस तरीके से तमाम ऐसे घोषणा पत्र हैं जिस घोषणा पत्र को आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो किस तरीके से सशस्त्र बलों में अग्निवीर व्यवस्था को समाप्त कर नियमित भर्तियां पहले की भांति की जाएंगी। मनरेगा और न्यूनतम दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपये की जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिस चीज़ को हम लोग आगे जानते हैं। किस तरीके से आंगनबाड़ी महिला कर्मी के साथ मारपीट करने पर पुलिस की कोई मदद भी नहीं, ऐसा एक नया खबर निकल के सामने आ रहा है। कानपुर देहात से खबर निकल के सामने, जहां थाना मूसा नगर के अंतर्गत ग्राम सनाया खेड़ा में आंगनबाड़ी कर्ती ममता देवी के साथ 4 मई को मारपीट हुई थी, जिसमें ममता देवी को गंभीर चोटें आई थी। नाक में गंभीर चोट होने पर घरवाले ममता देवी को निजी अस्पताल के लिए भर्ती कराए थे और इलाज चल रहा है। 8 दिन बाद भी मौके पर नहीं पहुँच पाई पुलिस। जब सरकारी कर्मचारी की सुनवाई नहीं तो आम जनता के साथ क्या न्याय होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें अपने मानदेय को लेकर तरस रही हैं। क्या उनको ग्रेजुएटी जो आदेश हाईकोर्ट ने दिया है क्या उस पर अमल किया जाएगा। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करेंगे और अगर आप एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यकर्त्री हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी समस्याओं को जरूर लिखें, क्योंकि मैं समय समय पर इस तरीके की वीडियो बनाता रहता हूं जो समस्त लोगों के हित में रहती हैं। निवेदन करता हूं वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं।